हेलो एवरीवन, आज हम जे एडवांस 2023 का एक क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और ये क्वेश्चन रिलेटेड है आपका बायोमोलिक्यूल से और बायोमोलिक्यूल में स्पेसिफिकली आपका कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन हमारा है, अ डाइसैक्राइड एक्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। जो हमारा डाइसैक्राइड एक्स है वो ब्रोमीन वाटर के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। द एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ एक्स लीड्स टू लिवोरोट्रेक्टिव सॉल्यूशन। उस डाइसैक्राइड एक्स का जब हम एसिड हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें अल्टीमेटली लिवोरोट्रेक्टिव सॉल्यूशन मिल रहा है द डाइसैक्राइड एक्स है और पूछ रहा है कि डाइसैक्राइड एक्स क्या होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट जो दे रखा है क्वेश्चन में वो है आपका डाइसैक्राइड एक्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर की बात करें तो ब्रोमीन वाटर आपका एक तरह का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कहने का मतलब है कि जो हमारा शुगर है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो नॉन रिड्यूसिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ब्रोमीन वाटर के थ्रू ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो अब हमें पता करना है कि हमारा कौन सा शुगर नॉन रिड्यूसिंग है, उसके बेसिस पे हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं पहले स्टेटमेंट के थ्रू। वहीं उसके बाद बोल रहा है कि जब हम पता कर लेंगे कि अगर वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है फिर उसके बाद उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके देखेंगे, अगर जिस कंपाउंड का अल्टीमेटली लिवोरोट्रेक्टिव सॉल्यूशन आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो चलिए हम देखते हैं, ये रहा हमारा कंपाउंड ए। तो हमें सबसे पहले पता करना है क्योंकि ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्या करेगा कि जो भी आपके एल्डिहाइड होते हैं और हेमिसिटाल होता है वो उसको वो क्या कन्वर्ट कर देता है, उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। तो हमें उस एनोमेरिक कार्बन हमें ढूंढना है और वो एनोमेरिक कार्बन आपका क्या होना चाहिए, वो आपका एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा? एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। तो हमें एनोमेरिक कार्बन पता करना है। तो ए को हम देखें तो एनोमेरिक कार्बन को पता कैसे करते हैं, वो कार्बन जो दो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड रहता है उसको हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं। तो अगर इसको देखें तो ये डाइसैक्राइड है, तो डाइसैक्राइड के इस मोइटी की बात करें इसकी, तो ये कार्बन जो आपका है दो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है। क्या? दो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है, ठीक है। और ये जो दो ऑक्सीजन है आपके, फर्दर देखें, ये आपके दो ऑक्सीजन है, ये आपका एनोमेरिक कार्बन है और ये क्या कर रहा है, ये एसिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? एसिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब पूछेंगे कि एसिटल क्या होता है। सपोज डेट कि आपके पास कीटोन है या आपके पास अल्डिहाइड है कोई भी, अगर आप उसका अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल के साथ, तो पहले इनिशियली क्या बनता है आपका, वो आपका ओ आर बना देता है, ओ एच, ये आपका हेमी एसिटल हो गया। क्या हो गया? हेमी एसिटल। फर्दर इसका जब हम करेंगे तो ये आपका देगा आपको, ये आपका फ्री रहा, ये ओ आर हो गया, ये भी ओ आर हो गया, ये आपका एसिटल हो गया। तो बेसिकली है कि जो एनोमेरिक कार्बन आपका एसिटल फॉर्मेशन कर रहे हैं वो आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे, वो डाइसैक्राइड आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। दोनों मोइटी आपके एसिटल, दोनों एनोमेरिक कार्बन अगर आपके एसिटल फॉर्म कर रहे हैं तो आपके वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। तो अगर ये देखें, ये एनोमेरिक कार्बन है आपका, ये दो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है और ये आपका एसिटल का फॉर्मेशन किया हुआ है। और वहीं बात करें इस मोइटी की, तो ये भी आपका एनोमेरिक कार्बन है, दो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है और ये भी आपका एसिटल का फॉर्मेशन किया हुआ है। बेसिकली ये दो, इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये आपका एसिटल का फॉर्मेशन, दोनों एनोमेरिक कार्बन आपका एसिटल का फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो ये आपका क्या है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये हमारा एक ऑप्शन हो सकता है क्योंकि अल्टीमेटली आपका एक्स पूछा हुआ है कि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इस स्टेटमेंट से यही पता चलता है कि हमारा जो एक्स है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। फिर बी की बात करते हैं, बी को देखें, तो ये आपका जो कार्बन है ये आपका क्या है? दो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है। तो कहने का मतलब ये आपका हो गया एनोमेरिक कार्बन हो गया और ये एनोमेरिक कार्बन आपका एसिटल का फॉर्मेशन कर रहा है, ये एसिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। वहीं इस कंपाउंड की बात करें, अब इसमें देखें एनोमेरिक कार्बन कौन सा है, ये कार्बन आपका एनोमेरिक है, ये आपका हेमिसिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। देखिए आपका ये OH फ्री है आपका, तो ये क्या होगा, इसको ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। वहीं सी की बात करें, ये आपका क्या है, एनोमेरिक कार्बन है, दो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है और ये एसिटल का फॉर्मेशन कर रहा है। वहीं इस कार्बन को बात करें, ये आपका क्या फॉर्म कर रहा है, ये आपका एनोमेरिक कार्बन है, दो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड और ये हेमिसिटल है। कहने का मतलब है कि ये भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब इधर देखिए, ये जो हमारा कंपाउंड डी है, कंपाउंड डी में ये वाला जो मोइटी है, ये आपका कार्बन आपका एनोमेरिक कार्बन है और ये आपका एसिटल फॉर्म किया हुआ है और ये कार्बन आपका दो ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्डेड है, ये भी आपका
एनोमेरिक कार्बन है और ये भी आपका एसिटल फॉर्मेशन किया हुआ है, तो कहने का मतलब ए भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन यही बचता है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं ये जो ऑप्शन ए है इसको हम ये कंपाउंड का नाम है ग्लूकोज। क्या नाम है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का क्या होता है, इसका स्पेसिफिक रोटेशन आपका 66.5 डिग्री होता है। जब इसको आप हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आपको 1:1 के रेशियो में आपको ग्लूकोज मिलता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज मिलता है और बीटा डी ग्लूकोज मिलता है, अगर बीटा डी फ्रक्टोज मिलता है, फ्रक्टोज है ये आपका फ्रक्टोज। और जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है उसका स्पेसिफिक रोटेशन आपका 52.4 है, वहीं बीटा डी फ्रक्टोज का आपका -92.4 डिग्री है। अल्टीमेटली 1:1 के रेशियो में है तो ये चीज़ आपकी डोमिनेट करेगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा वो आपका निगेटिव रोटेशन शो करेगा, और निगेटिव रोटेशन वाले को हम लिवोरोटेटरी सोल्यूशन कहते हैं। तो सो हमारा जो डाइसैक्राइड एक्स है वो आपका ए है, तो ए इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।